भाग्यलक्ष्मी महिला मंडली का इनाग्रेशन अमल में आया। इसका मकसद है ख्वातीन में रोज़गार, ट्रेनिंग और जो घर बैठे ख्वातीन को रोज़गार फ्राहम करना और उन्हें ट्रेनिंग देना, उनको एक कमाई का ज़रिया मुहैया करने के लिए और उनके फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए, ये सिस्टम के लिए ये चंद्रन गुट्टे पे ये इदारा अमल में आया है। ये इदारे का मकसद ख्वातीन को यूनाइटेड करके उनको घर से जो घर पे अपने घरेलू काम करते हैं उसके ज़रिए से अपने छोटे से कारोबार में लगाना, मार्केटिंग्स बनाना और उनको रोज़गार फ्राहम करने का ही मकसद है। इसके लिए ये प्रोग्राम लगाया गया, आज इनाग्रेशन हुआ है इसका और हमें उम्मीद है कि पुराने शहर में ऐसे और 50 वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे और एक नया जद्दोजहद के तहत में ख्वातीन रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। ठीक है, ठीक है। बहनों को सलाम और आदाब। हमारे चंद्रन गुट्टे कॉर्पोरेटर साहब आज नहीं है, अनंतापुर में है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर एरिया का मेंबर हूँ MIM पार्टी से। 8 दिन पहले ये लेडीज़ चंद्रन गुट्टे पे लेडीज़ के लिए मिशन चंद्र का MIM की तरफ से इनाग्रेशन करे थे और सेंटर इनाग्रेशन करे थे और तकरीबन लेडीज़ वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे मंजुला मैडम और अनीता मैडम, आजा मैडम का इसके अंदर बहुत ताउन है। इन लोग अपने चंद्रन गुट्टे की लेडीज़ को, हिंदू रहो या मुसलमान रहो, उनको अच्छी चीज़ बता रहे हैं घरों से निकल के कुछ काम करने के लिए। अगर कोई लेडीज़ कोई परफेक्ट है काम करने के लिए, उनको नज़दीक के कंपनियों में रखाने की हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह 1 किलोमीटर के अंदर आपको हम हमारी तरफ से, हमारे काउंसलर साहब की तरफ से पलक नुमा के एरिए के अंदर है 40 धंधे या 50 लेडीज़ धंधे हम ये देते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह मिल सकती है। अगर लेडीज़ परफेक्ट है तो मंजुला मैडम, अनिता मैडम से कॉन्टैक्ट करो, हम ले जाके आपको रखेंगे। आप अगर सीख रहे हैं 3 महीने के बाद सीखिए, वो जब सर्टिफिकेट आएगा उसके 2 महीने के बाद, उसके बावजूद भी जो जो लेडीज़ है, ये हिंदू रहो या मुसलमान रहो, जितने भी लेडीज़ रहेंगे उसको यहाँ चंद्रन गुट्टे की लेडीज़ को रखाने की जिम्मेदारी हमारी रहेंगी और हमारे कॉर्पोरेटर की रहेंगी। मैं आपसे शुक्रिया और अदबन गुजारिश करता हूँ। WS में काम करते बहुत सारे ख्वातीन हैं और हमारे साहब मीर इनायत अली बाखरी है। 17 ईयर से मैं इनके पास काम करती हूँ, बहुत सारे ताउन मिले मेरे को और हर एक लेडीज़ को आगे लाने का हमारे साहब सोचते हैं और अब मेरे को बहुत खुशी है कि मैं खुद एक चंद्रन गुट्टे में रहती हूँ और हमारे साहब की गाइडेंस से मैं ऑर्फनेज चलाती हूँ। यहाँ पर आपके करीब में एक सेंटर है, वहाँ पर बहुत सारे लेडीज आके विजिट भी करे और महिला सभा काउंसलिंग सेंटर का एक भी नॉलेज नहीं था हम लोगों को, तो साहब के थ्रू से, साहब के
के मम्मा काम करते थे महिला के ऊपर, वुमेन्स राइट्स के ऊपर, तो मैं साहब स्टेप बाय स्टेप मम्मा के साइड से हम लोग को टाउन करते गए और हम लोग को राइट्स क्या है हमारे बताते गए। अब इस काबिल बने कि यहाँ पर ठहर के कुछ बोल रहे, जैसा नहीं है तो आप लोग जैसा बैठे हम लोग भी वैसी बैठते थे जाके, ये क्या चीज़ है हमको मालूम नहीं है, औरतों को इकट्ठा क्यों कर रहे, यहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है, हम लोग घर में निकलने से पहले परमिशन नहीं लेते थे। अपने पास से चंदन भुट्टा एरिया में जो है सुना महिला मंडल का नहीं था, एक एक घर में ऐसे हो रहे कि झगड़ा सास बहू का हो रहा और जैसे अच्छा भी हो रहा बुरा भी हो रहा, उसके लिए अपना का वेलफेयर का जो ऐसा है लेडीज के लिए फैसिलिटी कुछ नहीं था, लेडीज के लिए बोल के नहीं जेंट्स के लिए भी है, और जो भी है घरों नहीं कर दो लड़कियों को कर दे रहे उनके लिए हम दो जो भी है अपने को एक फैसिलिटी ऐसा दे दिए सर महिला मंडल खोलकर, जो भी आप लोगों का तकलीफ है कुछ भी है आके आप लोग यहाँ बोल सकते, मंजुला मैडम है, मीनाक्षी ये लोग हैं और सर मेनली सर करे उनके जो बहुत थैंकफुल सर।